हाय देयर, वेलकम बैक टू बी नेचुरल। आज मैं आपके स्किन के बारे में बात करने वाली हूँ। स्किन का ध्यान कैसे रखना चाहिए, सनस्क्रीन कैसे लगाना चाहिए, सनस्क्रीन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पूछे तो आज मैं उसका जवाब देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप जब भी अपना फेस वॉश करें, मेक श्योर आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से फेस वॉश चूज करें। इसके बारे में कई बार मैं बता चुकी हूँ, दोबारा से रिमाइंड कर देती हूँ। ड्राई स्किन हो तो क्रीम बेस्ड फेस वॉश लेना है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको जेल या वाटर बेस्ड सनस्क्रीन लेना है। उसके बाद आप अपना जब मुंह धोएंगे ना, तो पहले आप या तो ल्यूक वार्म वॉटर ले सकते हैं या नॉर्मल टैप वॉटर भी ले सकते हैं। पानी से स्प्लैश कर दीजिए अपने चेहरे के ऊपर, गीला कर लीजिए चेहरा और गर्दन, और उसके बाद इस पोर्शन में इस तरह से ऊपर आपको जाना है और फेस वॉश लगाना है। 40 से 50 सेकंड तक आप अपने फेस के ऊपर फेस वॉश लगाइए। यहाँ वाले एरिया को हम अक्सर भूल जाते हैं, हेयर लाइन और यहाँ ईयर्स के पास गर्दन को, वहां भी अच्छे से फेस वॉश कर लीजिए। फेस वॉश करने के तुरंत बाद आप टॉवल से अपने बॉडी को ऐसे ऐसे करके पैट ड्राई कर लीजिए। पैट ड्राई करने के बाद तुरंत आप अपने फेस के लिए एक अलग से टॉवल रखा कीजिए, ठीक है, छोटा सा टॉवल। बॉडी जिससे वाइप करते हैं वो वाला नहीं यूज करना है। उसके बाद आपको अपने फेस के ऊपर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, नेचुरल प्लांट वाला लगा सकते हैं, या मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं वो लगा सकते हैं, या अगर कोई सीरम लगाना चाहते हैं अपने फेस सीरम तो वो भी लगा सकते हैं। उसके तुरंत बाद, मतलब तुरंत बाद नहीं, उसको थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाने दीजिए स्किन में, और उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। निव्या का मॉइस्चराइजर बहुत हैवी मॉइस्चराइजर होता है, काफी अच्छा होता है, पर्सनली मुझे पसंद है। बाकी आप जो भी मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो आप प्लीज लगाइए कोई सा भी। अगेन वही, अगर ऑयली स्किन है आपकी तो वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, ठीक है। निव्या में दोनों ही अवेलेबल है, वाटर बेस्ड के लिए भी और क्रीम बेस्ड के लिए भी, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अब मॉइस्चराइजर लगाने के एक मिनट बाद आप सनस्क्रीन लीजिए। सनस्क्रीन में भी वही फॉर्मूला होगा, यहां पर भी ड्राई स्किन के लिए क्रीम बेस्ड, ऑयली स्किन के लिए वाटर बेस्ड। तो आप कितना लगाएंगे, आप ये जो आपका ये एक इंच है ना, इतना इंच पे आप लगा लीजिए क्रीम, ये पूरा इंच, ठीक है। तो 1.5 इंच या फिर 1 इंच तक का आपको लेना है। अगर गर्दन पे नहीं लगा रहे, गर्दन ढकी हुई है तो 1 इंच, अगर गर्दन एक्सपोज हो रही है तो आपको 1.5 इंच तक का ऐसे निकाल लीजिए हाथों पे सनस्क्रीन, और आपको हाथ पे ऐसे रगड़ना नहीं है, ऐसे डॉट 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 करके लगाना है। जब आप मॉइस्चराइजर भी लगाते हैं तो मॉइस्चराइजर हाथ पे नहीं रगड़ना है, क्योंकि फिर सारा मॉइस्चराइजर हाथ ही ले लेता है। तो आपको अपने फेस पे डॉट डॉट करके ही क्रीम लगानी चाहिए। उसके बाद आपको मसाज नहीं करनी है, रगड़ना नहीं है, आपको उसके स्किन के डीप अंदर फोर्स नहीं करना है, एक लेयर सी बनानी है, एक प्रोटेक्शन लेयर बनानी है। एसपीएफ 30 मिनिमम होना चाहिए, स्पेसिफिक आप मैं नहीं बोलूंगी, आप देख लीजिए। वैसे मैं लैक्मे का यूज करती हूँ, न्यूट्रिजना का भी बहुत अच्छा है, ये दोनों ब्रांड्स मुझे बहुत पसंद है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए स्किन के हिसाब से। और उसके बाद आप बस ऐसे लगा के छोड़ दीजिए अपने नेक पे और अपने फेस पे, जो भी आपका चेहरा एक्सपोज हो रहा है, चाहे हाथ हो, नेक हो, फेस हो, वहां हर जगह आप अच्छे से लगा लीजिए। अब उसके बाद मसाज नहीं कीजिएगा, सफेद लगेगा आपको आपका चेहरा, कई सनस्क्रीन सफेद व्हाइट कास्ट देते हैं, वैसे ही छोड़ दीजिए उसको। कम से कम 4 से 5 मिनट तक के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, वो अपने आप आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और 5 मिनट बाद अगर आप मेकअप करना चाहते हैं तो आप फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट कुछ भी लगा सकते हैं। आप मेकअप नहीं करना चाहते हैं, नॉर्मल डे क्रीम लगाना चाहते हैं तो लैक्टोकैलामाइन लगा सकते हैं, या आपकी जो कोई भी डे क्रीम आप फॉलो करते हैं वो डे क्रीम आप लगा सकते हैं, या कोई बीबी क्रीम लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, और लास्ट में कॉम्पैक्ट का टचअप दे सकते हैं। अब जब भी फाउंडेशन या कॉम्पैक्ट आप खरीदते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि मिनिमम 30 SPF हो, क्योंकि अगर 30 SPF उसमें होगा तो वो भी एक और एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन वर्क करेगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जो फाउंडेशन है उसमें 30 SPF है, कॉम्पैक्ट लगा है इसमें 20 SPF है, तो 50+30 या 20 ऐसे एड अप होता जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आप लगाएंगे कॉम्पैक्ट भी SPF का तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन वो एड नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला जाता है कि हमेशा सनस्क्रीन बाहर अब जाने वाले हो उसके 20 मिनट पहले लगाएं, क्योंकि सनस्क्रीन रिएक्शन करता है अपने में, तो कुछ उनके जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो होने में 20 मिनट लगता है, जिससे कि वो एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन बनती है आपके स्किन के ऊपर, तो उसको बनने में 20 मिनट लगता है। तो इसीलिए सिर्फ लगाते ही, अगर आप बाहर जाओगे तो वो प्रोटेक्शन नहीं देगा, उसको काम करने दीजिए और वो उनको रिएक्ट करने दीजिए एक दूसरे के साथ। आपको एक बात और ध्यान देनी है कि सनस्क्रीन हर 4 से 5 घंटे बाद दिन में आपको लगाते रहना है,
तो अगर आपने मेकअप कर रखा है तो आप थोड़ी ना मेकअप हटाओगे और फिर सनस्क्रीन लगाओगे, क्योंकि मेकअप के ऊपर तो सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं, मेकअप के नीचे लगाते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, कॉम्पैक्ट पाउडर आता है, कंप्रेस्ड पाउडर आते हैं या सनस्क्रीन पाउडर भी आते हैं, तो आप उससे टचअप दे सकते हो मेकअप के ऊपर। ट्रांसलूसेंट पाउडर्स भी आते हैं जिनके अंदर SPF होता है, तो वो आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मेकअप के ऊपर तो सनस्क्रीन नहीं लगाया जा सकता है। अच्छा, बाहर मौसम कैसा भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, किसी भी तरह का मौसम हो, प्लीज ये ना सोचे कि धूप नहीं है तो सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है। धूप का सनस्क्रीन से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि सन की जो रोशनी होती है, धूप की बात, गर्माहट की बात नहीं हो रही, जो धूप की रोशनी होती है उस रोशनी के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, जो कि दो तरह के होते हैं, जो एक आपके स्किन के अंदर जाकर के आपको बूढ़ा करता है, और एक होता है जो आपके स्किन के ऊपर से ही आपको टैन देता है। तो अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो आपको टैन से भी बचाता है, और आपके जो फाइन लाइंस हो जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, उससे भी बचाता है। प्लस अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो आपको पिगमेंटेशन भी हो जाते हैं, अगर आपके पिंपल है तो वो पिंपल निशान छोड़ के चले जाते हैं, और हाइपर पिगमेंटेशन की भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो सनस्क्रीन अगर आप लगाते हैं तो ये प्रॉब्लम दूर की जा सकती है सनस्क्रीन लगाने की वजह से। तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल स्किप मत कीजिए, और अगर सनस्क्रीन लगा लिया है तो ये मत सोचिए कि सनस्क्रीन लगा लिया आप धूप में ऐसे ही जा सकते हैं। मैं फिर भी आपको बोलूंगी फिजिकल प्रोटेक्शन फिर भी दीजिए। मैं जब भी जाती हूँ बाहर हमेशा अपने साथ एक मोटा शॉल टाइप का कपड़ा रखती हूँ, जिससे मैं अपना फेस ढक लेती हूँ, बाल और फेस, बालों को भी ये सन बहुत नुकसान पहुंचाता है, तो बालों को भी ढक लीजिए। अगर हाथ बाहर दिख रहे हैं धूप में तो जैकेट पहन लीजिए, श्रग पहन लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से अपनी बॉडी को कवर करके ही धूप में जाइए, चाहे गर्मी हो या नहीं, अगर सूरज की रोशनी है बाहर इस तरह से फुली पैक्ड होके जाइए। अगर आप घर के अंदर भी है ना तो आप देख लीजिए लाइट्स ऑफ करके कि अगर घर में अंधेरा है तो आपको सनस्क्रीन लगाने की जरूरत है, लेकिन घर में सूरज की रोशनी आ रही है, गर्माहट नहीं, रोशनी आ रही है, तो आपको सनस्क्रीन लगाना ही पड़ेगा घर के अंदर भी। तो ये सारे टिप्स अगर आप डेली बेसिस पे फॉलो करेंगे ना तो आपकी स्किन काफी बेटर हो सकती है। तो ये मैं फॉलो करती हूँ और आपको रेकमेंड करती हूँ। इतना सब कुछ बोलने के बाद भी अगर आप सनस्क्रीन अवॉइड करते हैं, स्किप करते हैं, तो फिर मुझे मत बोलना कि आपके पिगमेंटेशन क्यों है, पिंपल्स क्यों है, क्योंकि ये सभी को हटाने के लिए, दाग धब्बों को हटाने के लिए, उनसे बचने के लिए, टैन से बचने के लिए आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का एपिसोड। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। अगर कोई और डाउट रह गया हो तो मैं उसके ऊपर अगली एक और वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक और बेहतरीन एपिसोड में, तब तक के लिए बी नेचुरल, बी हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड। टिल देन।